नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो ये बाजार दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाता है, डेली कुछ ना कुछ सिखाता है। आज भी हमें ये बाजार बहुत कुछ सिखा के गया। देखिए, पीसीआर आज आपका बहुत ओवरहीटेड था, ओवरबॉट कैटेगरी में था, हाथ नहीं लगा सकता कोई भी। लेकिन फिर भी दोस्तों, हालांकि बाजार गिरा, पीसीआर के अकॉर्डिंग नहीं गिरा इतना, लेकिन बाजार गिरा और फिर एक शार्प रिकवरी आई। और पीसीआर अगर अभी भी आप देखोगे ना, तो अभी भी आपको ओवरबॉट कैटेगरी में नजर आएगा। एक से ऊपर निफ्टी, 1.53 से ऊपर बैंक निफ्टी। तो पीसीआर के बावजूद, यानी कि पीसीआर इतना ऊपर होने के बावजूद, आखिर वो क्या कारण थे जिस कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई? तो दोस्तों, यही चीजें समझने की होती है और इसके पीछे काम करती है एफआईआई की मोनोलॉजी। समझना चाहिए एफआईआई क्या सोच रहे हैं, वो करके क्या गए हैं। कल मैंने आपको बताया था, इंडेक्स ऑप्शन इन्होंने बेच रखा है। इंडेक्स ऑप्शन तो इनके पास था ही नहीं, इंडेक्स ऑप्शन इनके पास था ही नहीं, इंडेक्स फ्यूचर इनके पास था, फ्यूचर इनके पास था, बाजार इन्होंने ऊपर रखा, इंडेक्स फ्यूचर ये, इंडेक्स ऑप्शन ये बेच रहे हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन तो लाजमी है, अगर फ्यूचर खरीद रहे हैं, बाजार ऊपर रख रहे हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन में क्या बेचेंगे? पुट बेचेंगे। और अगर ये पुट बेच रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, पुट को ये नीचे कवर करेंगे। यानी कि पुट अगर इन्होंने ऊपर के रेट पे बेची है, तो जब वो नीचे आएगी तभी ये कवर करेंगे। और यही तो करा इन्होंने, बाजार दिखाया नीचे, पब्लिक ने शॉर्ट भी बनाया और फिर साहब बाजार में एक साथ रिकवरी। कॉल लाइटर ट्रैप, इनके पास पुटे बेच रखी थी इन्होंने, बाजार को इन्होंने ऊपर करा, पुट कम हो गई, इन्होंने पुट कवर करी। तो इन सारी चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत कुछ इस शेयर बाजार में सिखाती हैं। ये कोई नहीं बताता, कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, ये जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी कॉन्फिडेंशियल चीजें, ये नहीं बताएगा। एमएसडी, बोलिंजर, आरएसआई, इन चीजों में आपको उलझा के रखेंगे। जो टेक्निकल चीज हैं उनको देखो, समझो, आरएसआई समझ लो कि भाई अगर 60 से ऊपर चला गया है तो महंगा हो गया है, पीसीआर देख लो, एमएसडी देख लो, बोलिंजर देख लो। लेकिन मेन चीज है एफआईआई की मोनोलॉजी, वो क्या सोच रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन अगर इन्होंने बेच रखा है तो कैसे बाजार गिरा देते, कैसे ये बाजार को गिरा देते, इन्हें तो कवर करना था। तो ये चीजें सोच के समझ के आपको ट्रेड लेना है। बहुत सारी और भी सारी चीजें होती हैं दोस्तों, कैसे एक टेबल बनती है, किस आधार पर हम ये कहते हैं कि एफआई के पास आज की डेट में इतना कैश में माल है, इतना इंडेक्स फ्यूचर में माल है, इतना इंडेक्स ऑप्शन में माल है। पूरी की पूरी गणना की जाती है। और वो गणना कब से करनी चाहिए, गणना कब से करनी चाहिए, कितने दिनों का चार्ट हम लोगों के पास है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको भी सीखनी है अगर आपको शेयर बाजार में कामयाब होना है। मेरे में जादू की छड़ी हुई है कि मैं कह देता हूं बाजार ऊपर चला जाएगा, यही डाटा तो मुझे सब कुछ बताता है। और यही डाटा अगर आपके पास हो तो आप भी पैसा कमा सकते हो। फिलहाल मुझे ये छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। बाकी बाजार का विश्लेषण कल करेंगे, कि कल तो छुट्टी है और आराम से करेंगे बाजार के विश्लेषण, कि मंडे के दिन बाजार कैसा खुल सकता है, क्या कहते हैं आज के FIDIs के डाटा और क्या कहती है उनकी मोनोलॉजी। क्या भी आज भी वो इंडेक्स ऑप्शन बेच के गए हैं या इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने करी है कुछ खरीदारी? तो फिलहाल कैश की फिगर आई है मेरे पास, बहुत मामूली सी रकम उन्होंने कैश में बाइंग करी है, 231 करोड़ के आसपास, लमसम, ऊपर नीचे हो तो आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल कैश की फिगर आ चुकी है और अभी ऑप्शंस की फिगर, फ्यूचर की फिगर आनी बाकी है, उसी को देखकर ही हम आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से आपको इजाजत दीजिए, मुझे कल पूरी एक विस्तृत वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, इंतजार कीजिए उस वीडियो का। और आपसे अब कहता हूं अलविदा, कल होगी मुलाकात इसी समय इसी जगह। नमस्कार।